हर चीज इबादत है। कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का सुनना इबादत, कुरान को छूना इबादत, कुरान को देखना भी इबादत, कुरान को देखना भी इबादत। ये और किसी किताब के बारे में ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसका देखना भी इबादत है। अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम से लेके सूरह नास तक कितनी इसके अंदर आयतें आई, 6,666 आए, एक हर्फ के पढ़ने और सुनने पर 10 नेकी आम दिनों में फरमाया गया हदीसों में। एक अलिफ लाम मीम अगर पढ़ते हैं तो इसमें 3 हर्फ हैं। 3 हर्फ का मतलब यह कि 30 नेकी सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने और सुनने वाले को बताई गई। तो ये तो आम दिनों में, और हम सुनते हैं रमजान में 1 नेकी 70 गुना इजाफा हो जाती है, तो 70 गुना एक नेकी पर जितने हर्फ कुरान करीम में आए इन सब के बराबर हमको सवाब मिला। तो अब एक अल्लाह जानते हैं हमारा सुकून कहाँ से वाबस्ता है। पहले जमाने के अंदर इतनी आराइशें, इतनी सहूलतें, एयर कंडीशन, ऐसी चीजें नहीं थी। बादशाहों को अगर हवा हासिल करना होती तो 2 गुलाम 2 बांदी उनके पास पंखा झेलना पड़ता, तब जाके उनको राहत मिलती। लेकिन आज इतनी सहूलत के गरीब से गरीब भीख मांगने वाला भी अपने घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक का फैन रखता है, बटन डालता है और आराम से पूरी रात सोता है। उस जमाने के अंदर भी लोगों को दिलों का सुकून था जब उनके पास पंखे लाइट नहीं थे, लेकिन दिलों का सुकून था। आज एयर कंडीशन है, तमाम सहूलतें हमारे पास मौजूद है और बटन भी नहीं, रिमोट उठ के जाने की जरूरत नहीं, रिमोट से काम हो रहा है। लेकिन असल जो दौलत है दिल का सुकून, हम में से अक्सर के दिलों से उठाया था। उसकी वजह क्या है? हमारा ताल्लुक कुरान से कट गया। कुरान को हमने सिर्फ मर गए तो पढ़ने के लिए, शादी में पहले नंबर पर लिख के देने के लिए, और जो है ना कहीं घर वरानी हुई तो पढ़ने के लिए, बस इसके लिए रख दिया। बचपन में हम खुद देखते थे कुरान में आपस में दोस्तों के कॉम्पिटिशन होते थे, एक दूसरे से पारा छुपाते थे नंबर, कि भाई पता ना चले मैं कौन सा पारा पढ़ रहा हूँ। एक दूसरे को झूठ बोल लेते थे कि भाई नहीं मेरा अभी पहला पारा चल रहा दूसरा, ताकि रमजान के खत्म पर जब पता चले तो हमारे कुरान ज्यादा हुआ। आज भी बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे चलते फिरते, अभी ये कोरोना में जो बात हुई गुजरात के इलाके में तरकेसर में, एक खातून की डायरी निकली से साल के 11 महीने, ना अल्लाह का कोई हुक्म था इस दरमियान में कि भाई इतने रात तक नहीं सोना था, कुछ नहीं था, अल्लाह ने छूट दे दी थी। लेकिन 1 महीना हमारे दरमियान में आया, तो क्या 1 महीना भी हम अल्लाह की मर्जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा, सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक नहीं, तो कितने कैसे हमारे अंदर माहौल बन गया। जिस कुरान, जो कुरान हमारे दरमियान में हिदायत के लिए भेजा गया, और जिस कुरान के बारे में बुजुर्गों ने लिखा है, जैसे दुनिया के अंदर मैग्नेट होता है, मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह का ताल्लुक को खींचने का जो जरिया, जो मैग्नेट है, उसका नाम कुरान है। दिलों के सुकून को हासिल करने का जो मैग्नेट है उसका नाम कुरान है। आज हम सैकड़ों सहूलतों, आराइशों और एयर कंडीशनों के बावजूद जो असल सुकून की दौलत है दिल के, उससे हम बिल्कुल महरूम हैं। उसकी वजह यह है हमारा ताल्लुक, हमारा कनेक्शन कुरान से कट गया। ये कुरान अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए, हमारे दिलों को सुकून, अला बिज़िक्रिल्लाह ततमईन्नुल क़ुलूब, कुरान कह रहा है। ये कुरान, इसकी तिलावत, इसके जिक्र से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है, कुरान कह रहा है। जिस अल्लाह ने हमें बनाया वो अल्लाह जानता है कि हमारा सुकून कहाँ रखा हुआ है। कोई कंपनी अगर कोई गाड़ी बनाती है, उसकी कमी ज्यादती से वो कंपनी वाकिफ होती है कि कैसे इसके इसको फायदा हो सकता है, इसको जो भी आइटम जो कंपनी बनाती है उसके। अल्लाह ने जब हमें बनाया, जो अपने रोजाना अपने काम डायरी में लिखा करती थी, वो डायरी जब निकली तो आम कोई हाफिज आलिम नहीं थी, तो असर की नमाज का वजू किया, जुमा के दिन नमाज के लिए रकात बांधी और इंतकाल हो गया। उनके रिश्तेदारों ने वो डायरी अपने पास पर्सनल रखती थी, रोजमर्रा के काम उसके अंदर लिखा करती थी, तो उनकी डायरी में उनके मामूलात में बात मिली, 6 दिन में कुरान उनके पढ़ने का मामला, 6 दिन में, 1 महीने में आप अंदाजा लगा लीजिए, 6 दिन में कुरान, तो 1 महीने में के आम, ये तो हाफिज आलिम की बात थी, आम पढ़ने का मामला। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, रमजान मुबारक आ 61 कुरान में पढ़ते थे। एक कुरान फजर के बाद से शुरू होता था, इफ्तार बाद में होता था, पहला कुरान मुकम्मल होता था, दूसरा कुरान तरावी में पढ़ते थे, और तीसरा कुरान तरावी के बाद शुरू होता था, और सहरी पे वो कुरान मुकम्मल होता था। ये तो सहाबा और सहाबा इकराम की तारीफ उठा करते थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के बारे में, ईशा के बाद रकात बांधते थे और फजर की अजान तक एक कुरान एक रकात में पढ़ते थे, दूसरी रकात में सूरह नास पढ़ते। अल्लाह को फिर कुरान की आयतें उतारनी पड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना पड़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना पड़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने सहाबा से कहिए अपनी जानों पर इतना वो इतना अपने आप को न थका दें, बल्कि कम से कम 3 दिन उसकी लिमिट रखी गई। उसके बाद कहा गया अगर ज्यादा ही शौक है तो 3 दिन के अंदर रोजा रखकर 10 पारों का ये रोकना पड़ा सहाबा का। क्यों? वो समझ चुके थे कि कुरान से क्या नफा होता है, वो उनको मजा आता था कुरान पढ़ने में। हजरत फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहेबजादी वो एक ठंडी की रातों में एक रात जब फजर की अजान हो गई उन्होंने हाथ उठाया, ए अल्लाह आपने कितनी रातें छोटी कर दी, अभी तो मैं कुरान पढ़ने ही बैठी थी फजर हो गई ईशा पूरी रात। ये उन्होंने आज हमारे अंदर जो कैफियत बदली हुई है इसके अंदर सबसे बड़ा सबक हम दज्जाल के फितनों से पना चाह रहे हैं और कह रहे हैं दज्जाल आने दो हम देख लेंगे, दज्जाल हमको कुछ नहीं कर सकता। दज्जाल के फितने का एक हल